और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। छड़ी मुबारक की पूजा के साथ संपन्न हुई अमरनाथ यात्रा, करीब 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। 1 जुलाई को शुरू हुई थी बाबा बर्फानी की यात्रा। पोखरण फायरिंग रेंज में डेजर्ट स्ट्राइक प्रैक्टिस, अर्जुन टैंक से थराया थार, ध्रुव ने तबाह किए बंकर। हेलेना मिसाइल से दुश्मन के ठिकानों पर लगाया गया निशाना। अगस्त के महीने में कम बारिश का रिकॉर्ड टूटा, इस साल 30.9 mm बारिश दर्ज की गई। साल 1937 में अगस्त महीने में हुई थी 27.4 mm बरसात। रायपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों के साथ पदाधिकारियों के साथ चर्चा। उदयपुर सभा के नेताओं के साथ भी हुआ संवाद। वसुंधरा राजे रहेंगी धार्मिक यात्रा पर, सबसे पहले पहुंचेंगी चार भुजानाथ, इसके बाद नाथद्वारा में करेगी दर्शन, दोपहर को त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी करेंगी पूजा अर्चना। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति, मनिंदर सिंह बग्गा का किया गया मनोनयन। कला साहित्य और संस्कृति विभाग ने जारी किया। डिडवाना के राणासर गांव में डबल मर्डर मामला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया समिति का गठन। 5 सांसदों जो कि घटनास्थल का दौरा करेंगे, नड्डा को रिपोर्ट सौंपे। शुरू से डोटासरा के चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले राजेंद्र राठौर, दोनों हाथ करेंगे, कौन किसे घेरता है फैसला हो जाएगा। अनंत श्रीवास्तव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 11 पुलिस रेंज और 2 पुलिस कमिश्नरेट में लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे समीक्षा। भरतपुर रेंज की शुरुआत पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक। जयपुर की आराध्य गोविंद देव जी के दरबार में आज मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। ठाकुर जी और रक्षा बंधन के त्यौहार के तहत राधा रानी की कलाई पर बंधी फूल रेशम और दुर्गा की राखी उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। रायपुर एबीवीपी के छात्र छात्राएं फोनलेन स्थित सभी होटल ढाबा संचालकों और दुकानदारों के पास पहुंचे, जहां छात्राओं ने दुकानदारों और ढाबा संचालकों के साथ हाथ की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर तिलक लगाकर मुंह मीठा करवा करके रक्षाबंधन पर्व मनाया। वहीं रक्षा सूत्र बांधने के बाद व्यापारी भाइयों ने भी बहनों की रक्षा के साथ राष्ट्रहित में योगदान के लिए भी संकल्प लिया। 125 दिन काम देने और 255 रुपये मजदूरी के भुगतान सहित इन मांगों को लेकर मनरेगा मजदूरों ने जिला परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले मजदूरों ने जिला परिषद कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। सूरजगढ़ उपखंड क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के बंधुओं द्वारा श्रावण मास के अंतिम दिवस पर श्रावणी पर्व खूब श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज से श्रवण पूर्णिमा विशेष महत्व होता है। इस दिन समाज के लोग धारण की हुई यज्ञोपवीत की पूजा अर्चना कर नए यज्ञोपवीत को धारण करते हैं। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय युवा महोत्सव और जिला स्तरीय ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 की पूर्व तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी और आवश्यक दिशा निर्देश। जालौर के भीनमाल शहर में एक सांड के हमले से बुजुर्ग की मौत के बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया। शहर में घूम रहे सभी आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। साथ ही 7 दिन के अंदर सभी आवारा पशुओं को पकड़ने का नगर पालिका ने आश्वासन दिया। भादरा में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन के आह्वान पर भादरा में नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार करते हुए धरना जारी रखा। नवीन झाझड़िया ने बताया कि 16 अगस्त से 24 अगस्त तक हमारा 2 घंटे कार्य बहिष्कार रहा। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर धरने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर से नर्सिंग कर्मी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। चूरू नगर परिषद में अनिता खींचड़ ने आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। आयुक्त अनिता खींचड़ ने बताया कि शहर की सफाई और रोशनी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। राजसमंद के आमेट कस्बे में विद्युत पोल इन दिनों होर्डिंग और पोस्टर लगाने का पसंदीदा स्थान बन गए हैं, लेकिन यहां लगे पोस्टर और होल्डिंग से हर पल हादसे का खतरा बन रहा है। इससे विद्युत विभाग भी अनजान बना हुआ है। धौलपुर के कंचनपुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव अब्दुलपुर से हिस्ट्री शीटर बदमाश बादशाह ठाकुर को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ थाने पर 1 दर्जन के करीब मामले दर्ज। राजसमंद के आमेर थाना पर सीएलजू समिति की बैठक थानाधिकारी हनवंत सिंह सोडा द्वारा आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस द्वारा जनता में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। भागपुर में बीतीरा चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर लाखों रुपए के गहने और नकदी उड़ाकर ले गए। चोरों ने 2 दिन के अंदर ही 5 घरों को निशाना बनाया।
हाली शहर के लाखौटिया उद्यान की दूसरे भाग में बने तालाब में एक युवक का शव मिला, जिसको लेकर औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम की मदद से मृतक के शव को बाहर निकाला गया। वहीं मृतक युवक का शव बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। कोटा के अनंतपुरा थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे जालेवा हमले के दावे आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी जावेद को टोंक जिले से गिरफ्तार किया। सरकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार करने वाली गाड़ी पर दोरादास गांव में पत्थरबाजी का मामला सामने आया। एक युवक ने दोरादास गांव में गाड़ी पर पत्थर मारे। युवक ने पहले गाड़ी को रुकवाया, फिर बोला मेरा स्मार्टफोन मुझे दो। गाड़ी चालक ने ग्रामीणों के युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक गाड़ी चालकों से उलझता रहा। इस दौरान गाड़ी पर पथराव भी किया गया। जयपुर के सागरे में राजस्थान सेवा परिषद के तत्वाधान में पटवार संघ इकाई के अध्यक्ष विनोद पटेल के नेतृत्व में चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय के बाहर जारी है। अध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया कि पूर्व में जो वार्ता हुई थी उसी को लेकर क्रियान्वित कराने की मांग कर रहे हैं। पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर से भोलेनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नताशों की धुन पर नाचते गाते झूमते श्रद्धालु पहुंचे, जयकारों से गूंज उठा तीर्थ स्थल। शोभा यात्रा में सैकड़ों शिव भक्तों ने भाग लिया। टपुकड़ा थाना पुलिस ने मुख्य बाजार के पास संदिग्ध हालात में खून से सनी एक कार बरामद की। थानाधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर कार को बरामद कर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। कार के ऊपर फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई है। इंजन और चेचिस से गाड़ी दिल्ली नंबर की पाई गई। मानसूर के गांव लोहिती में आपसी विवाद को लेकर दो युवकों के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने और ट्रैक्टर चढ़ाने का मामला सामने आया। सूचना पर थाना प्रभारी हिमराज सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पैसों को लेकर आरोपियों ने युवक अभिषेक निवासी लोहिती और लोकेश निवासी बबेडी पर लाठी डंडों और ट्रैक्टर से जानलेवा हमला कर दिया। बिसरपुर बलवाना सरहद पर सामने आ रही पिकअप गाड़ी ने तेज गति और लापरवाही पूर्व चलते हुए मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को भगवान महावीर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर ईश्वर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल को पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। चुमू के कालाडेरा थाना क्षेत्र जालसू प्रतापपुरा बिजली ग्रेड पर करंट की चपेट में आने से एक संविदाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आक्रोशित परिजन और ग्रामीण एकत्रित हो गए और बिजली निगम के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरने पर जा बैठे। खिमसर उपखंड क्षेत्र के पाचौड़ी थाना अंतर्गत बाटपुरा सड़क मार्ग पर पैदल चल रहे किसान को लापरवाही से चलती पिकअप ने तेज गति से टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। किसान अपने घर से खेत जा रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया। किसानगंज में ग्राम पंचायत मुख्यालय के पास स्थित एक निजी कंपनी के टावर के पास पड़े कपड़ों में आग लग गई। गनीमत रही कि आग का धुआं देखते ही लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पा लिया और बड़ा हादसा होते होते जल गया। सांबर कस्बे के भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले एक महीने से नगर पालिका में एईएन और जेएन के पद रिक्त पड़े हैं। क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ ही अनेक सरकारी कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल रहे। अलवर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर यूपी पुलिस के कांस्टेबल की टैक्सी गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राइवर के भी चोट आई है। रक्षाबंधन के अवसर पर दुर्गा वाहिनी और स्कूल की बालिकाओं ने सांभर थाने के पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे। रक्षा सूत्र बांधने के साथ ही क्षेत्र में उनके कार्यों की प्रशंसा की गई। थाना अधिकारी ने समस्त पुलिस स्टाफ की ओर से दुर्गा वाहिनी महिलाओं को उनकी सुरक्षा का वचन दिया। सागरेर के वार्ड 120 में डॉक्टर कंचन सोरल ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के तिलक लगाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों ने वचन दिया कि राखी के बंधन का दायित्व निभाए। सीकर के कल्याण सर्कल के पास इंदिरा रसोई के किचन में अचानक आग लग गई। आग को बुझाने के लिए लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किया और आग पर काबू पाया। आग के कारण किचन में रखा सामान और बिजली की बोर्ड जलकर राख हो गए। चुबरा गांव में नाबालिग के अपहरण और परिजनों से मारपीट के मामले में 15,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के साथ युवती को भी दस्तयाब कर कोर्ट में पेश किया, जहां से युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया। प्रतापपुर में 19 सालों से इकलौते शहीद भाई को गुजरात के अहमदाबाद से रक्षा सूत्र बांधने आती है बहन। दीनवाल आठखानी निवासी धर्मवीर 20 साल की उम्र में लाल चौक पर शहीद हो गए थे। जब बहन भाई की प्रतिमा पर रक्षा सूत्र बांधती है तो पूरा गांव भावुक हो उठता है।
जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र में मानसून की बेरुखी से किसान चिंतित। प्री मानसून में अच्छी बारिश हुई है और किसान ने जमकर बुआई की, लेकिन अब बारिश नहीं होने से किसानों की फसलें चौपट हो गई। पाली संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी देसुरी पहुंची, जिन्होंने पंचायत समिति में चल रहे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन मोबाइल वितरण शिविर का निरीक्षण किया। लाभार्थी बुजुर्ग महिलाओं से संवाद किया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर ओपीडी के बारे में जानकारी ली। वहीं घायलों का आपकी जगह वहीं विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद किया गया। भिंडवाड़ में भाई बहन के अटूट पर रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधकर मुंह मीठा करवाया। भगवान से लंबी उम्र की कामना के साथ भाइयों ने बहनों को उपहार दिए। इंदौर कोट बॉर्डर पर बहनों ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर भारत माता की जयकारों के साथ गूंज उठा आसमान और बहनों ने जवान भाइयों की दीर्घायु होने की कामना कर शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 सितंबर को ब्यावर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी जिला स्तरीय ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडी कॉलेज परिसर स्थित खाली पड़ी जमीन का अवलोकन कर अस्थायी हेलीपैड तैयार करवाने पर भी चर्चा की। छिंदवाड़ा के खाकौली गांव के शहीद कमांडो भीवाराम की मूर्ति अनावरण को लेकर तैयारियां चल रही है। परिवार के लोग मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में लगे हैं। पूर्व प्रधान क्षेत्र के गांव में घूमकर अनावरण में लोगों को शामिल होने के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं। दलित आदिवासी संगठनों के पैदल कूच में शामिल लोगों पहुंचने के लिए अब ब्यावर पहुंचे हैं लोग, जिनका शहर के चांग गेट पर दलित संगठनों ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने जालौर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भिंडवाल से 25 अगस्त को जयपुर के लिए शुरू हुआ था पैदल कूच। कंटेनर में भरे 1 करोड़ रुपए के माल को खुर्द-फुर्द करने के प्रकरण में सिटी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस बचे हुए आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता से सुनील और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने भीलवाड़ा के बजरी व्यवसायी को नगद राशि देने के बजाय फर्जी चेक थमा दिया। बैंक पर चेक लगाने पर चेक फर्जी निकला तो व्यवसायी ने बोरखेड़ा थाने को रिपोर्ट दी। आदर्श विद्या मंदिर के बाहर थाने में सामूहिक रूप से रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय में रक्षाबंधन पर्व पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर बहनों को रक्षा का वचन दिया गया। इस मौके पर उत्साह प्रभारी ने कर्णावती द्रौपदी इंद्राणी के प्रसंग सुनाकर रक्षाबंधन का महत्व बताया। बारे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में किलवाड़ा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं और छात्राओं ने अपने भाइयों की कलाई पर चुनाव जागरूकता शुभंकर वाली राखी बांधकर आगामी चुनाव में मतदान करने का संकल्प लिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आपका हिम्मत चाहिए।